स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इट कॉजेज कैंसर। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, धूम्रपान से कर्क रोग होता है। हाँ माँ, प्रणाम लीजिएगा। माँ मैं एक मीटिंग में हूँ। माँ मीटिंग के बाद मैं आपको फोन कर रहा हूँ। नहीं माँ कोई चिंता मत कीजिए, रख रहा हूँ। क्या हुआ? तुम तो जानती हो
तुम रोती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। सॉरी। चलो। चाय या कॉफी? पानी। ओके। वैसे मैं बहुत जानता क्या? ये लो। तुमने रूपा को सब बोल दिया? फ्राइंग पैन उठा के मारी थी मुझे। क्या? तकदीर अच्छा था कि वो गर्म नहीं था। मुझे लगता है कि मेरा मिड लाइफ क्राइसिस चल रहा है। पूछ रही थी वो मुझे कि किस लड़की के लिए मैं उसे डिवोर्स दे रहा हूं। आई लव यू टू। आज का दिन क्या है? मकर संक्रांति। आज हम लोगों की थर्ड एनिवर्सरी। वक्त कैसे बीत गया ना। चलो ना, बिस्तर में जाके दोनों रिलैक्स करें। नहीं नहीं यहीं पर ठीक है। तुम्हारा पति क्या कह रहे थे? कौन? राकेश। हाँ, राकेश ने क्या बोला? आई लव यू टू। राकेश ने क्या बोला? मनोज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ मैं जानता हूँ। तुम बताए ना राकेश को हम लोग के बारे में। नहीं नहीं बोल पाई। बातें होंठों तक आ गई थी लेकिन बोल नहीं पाई। What the fuck is this, भैया? हम लोग तो डिसीजन ले लिए थे। मैं अपने बीबी को और तुम अपने हस्बैंड को, हम लोग के रिश्तों के बारे में सब कुछ कह दोगे, सब कुछ। हम लोग सोच लेते कि we will give the divorce. I'm sorry. अरे सॉरी कहने से क्या होगा? मैंने तो रूपा को सब कुछ कह दिया। वो मेरे को फ्राइंग पैन फेंक के मार भी दी। वो बोली अगले हफ्ता क्यों, अभी निकल जाओ घर से। मैं लेकिन घर से सब कुछ सेटल करके आया। प्लीज गुस्सा मत करो। गुस्सा नहीं कर रहा हूं मैं। क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो तुम? तुम तो जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हारे और मेरे बीच सही में कुछ है क्या? अरे यार लाइफ में है क्या? सुबह ऑफिस जाओ, सारा दिन काम करो और काम के बाद घर वापस आ जाओ। मैंने आया कल शाम को और तुम आई आज शाम को, और अभी रात होने को है, तुम तो कुछ भी नहीं कह पाई। ऑफिस के लिए घर के आदमी रिश्तेदार सबके लिए एक मैं ही जिंदा हूं। हर बार सबके लिए जिम्मेदारी मैं ही उठा रहा हूं। अब थोड़ा सा तो अपने लिए जी लूं। हम लोग सब कुछ डिस्कस करके तय किए थे, है ना? मुझे तो गलत मत समझना मनोज। अरे क्या गलत समझेंगे यार। मनोज तुम ये बात अच्छी तरीके से जान लो। जानता हूं जानता हूं। तुम मेरे को बहुत प्यार करती हो और फिर भी राकेश को कुछ भी नहीं कह सकती। What the fuck is this? मेरी एक बात सुन के रखो। I can't do this. ये हो नहीं सकता, ये नहीं होगा। क्या क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं होगा? मनोज ये तुम और ये मैं और हम दोनों का इस होटल रूम में रिलैक्सेशन,
रिलैक्सेशन तुम्हें अच्छी नहीं लगती? तुम्हारी बीवी है, बच्चा है, मेरा पति है, परिवार है और एक छोटी सी बच्ची है। ये अब समझ में आया तुमको? मनोज, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। मैंने बहुत सोच लिया है। सोची क्यों? क्यों सोची? तुमको सोचने को मना किया था ना मैंने? तुम जब भी कुछ सोचती हो ना, तब मेरा फट जाता है। मनोज, ये सही नहीं होगा। ये तुम अब कह रही हो? अचानक मॉरल कैंपसिंग चालू कर दिया तुमने? नहीं, थक चुकी हूँ मैं अपने आप से झूठ बोलते बोलते। मुझे लगता है तुम एक तरीके का कॉम्पेंसेशन हो मेरी लाइफ की सभी प्रॉब्लम्स और अधूरेपन की। यकीन करो मनोज, तुम मेरे लिए एक सपने की तरह हो। अ ब्लडी फकिंग इम्पॉसिबल ड्रीम। फक प्रिया, मैं रूपा को अपना डिवोर्स के बारे में सब कुछ बता दिया और रूपा मेरे मम्मी को फोन करके सब कुछ बता दी। सॉरी बोल दो ना उनको। तुम मतलब फट। हाँ माँ, प्रणाम लीजिएगा। माँ, मैं अभी भी मीटिंग में हूँ। मैंने तो कहा कि निकल के मैं आपको फोन करूँगा। अभी रख रहा हूँ, ठीक है? बाबू, ये आखिरी बार है, आखिरी मुलाकात। इसके बाद हम दोनों और कभी नहीं मिलेंगे। क्या? कल से मैं ब्रेक ले रही हूँ। अपने पति से? अपनी फैमिली के साथ। और मैं वापस आके तुम्हारे ऑफिस जाकर खुद रेजिग्नेशन पहुंचा कर आऊंगी। मैं कोई ना कोई नौकरी ढूंढ लूंगी, लेकिन हम दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे। तो फिर वो ट्रॉली बैग में क्या है? घूमने जाऊंगी इसलिए दुकान से खरीदने गई थी। जाकर देखा वहां बाय वन गेट वन फ्री है, तो तुम्हारे लिए एक ले लिया। बोलो, मैंने सही किया ना? मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। बाय। प्रिया, प्रिया प्लीज, प्रिया प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्रिया प्रिया प्लीज, प्रिया प्रिया क्या करूं बोलो? मुझे पता है तुम्हें बहुत खराब लग रहा है, पर ये ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ से जाने से पहले टेक अ बिट ऑफ रेस्ट एंड रिलैक्स एंड टेक केयर। आई लव यू, आई लव यू, आई रियली लव यू। बाय। हेलो, अरे सुनो 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 सुनो, हेलो सुनो प्लीज, मैं सिर्फ तुम्हारा टांग खींच रहा था। विश्वास करो, ये सिर्फ एक मजाक था। मैं कान पकड़ के कह रहा हूं कि कभी नहीं होगा। और तुम भी मम्मी को जाके सब बोल दिया? अरे ऐसे बात कोई अपने पेरेंट्स को कहते हैं क्या? अरे सुनो ना, तुम बहुत सुंदर हो। आई लव यू, आई लव यू। ओके चलो, बाय, टेक केयर। हेलो माँ, प्रणाम माँ। अरे नहीं नहीं, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। अच्छा एक बात कहिए मुझे,
मेरे पिताजी आपके साथ कभी लड़ते झगड़ते नहीं थे क्या? मॉम, मैं सिर्फ उसकी टांगे खींच रहा था। हाँ अभी अभी मीटिंग खत्म हुआ। ओके बाय। ओके ओह।